और एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त बता दें, अमेरिकी F-16 फाइटर जेट यूक्रेन पहुंचे हैं। पिछले 3 हफ्तों से यूक्रेन में उड़ान भर रहा है F-16। F-16 के जरिए रूस को पहुंचाया बड़ा नुकसान, अमेरिकी वेबसाइट न्यूज़वीक के हवाले से ये बड़ी खबर है। अमेरिका किस तरह से मदद कर रहा है F-16 के जरिए रूस को बड़े नुकसान पहुंचाने की आशंका बढ़ गई है। तो आखिर ऐसा दावा क्यों किया जा रहा है कि अमेरिकी F-16 यूक्रेन पहुंच चुके हैं, इसकी वजह आपको बताते हैं। यूक्रेन को मिला F-16 रण क्षेत्र में तबाही। एक दिन पहले क्रीमिया में रूसी जहाज को तबाह कर दिया गया। माना जा रहा है कि F-16 से इसे तबाह किया गया। पिछले 3 हफ्तों में 8 रूसी फाइटर जेट भी तबाह हो चुके हैं। जिस तरह से रूसी जेट गिराए गए, कहा जा रहा है कि F-16 से ही ऐसी तबाही हो सकती है। इसके अलावा युद्ध में पिछले दिनों रूसी सैन्य टुकड़ियों पर जोरदार अटैक भी हुए हैं। रूस की सप्लाई लाइन पर असर पड़ा है और अग्रिम मोर्चों पर भी रूस बैकफुट पर है। यूक्रेन के इस एक्शन से ये माना जा रहा है कि अमेरिका यूक्रेन के बीच जो F-16 की डील हुई थी, इसके तहत F-16 का ऑपरेशन यूक्रेन में शुरू हो चुका है। और अब आपको बताते हैं यूक्रेन का अमेरिका से मिला F-16 फाइटर जेट कैसे युद्ध में गेम चेंजर साबित होने वाला है। यूक्रेन में F-16 आया और पुतिन के लिए बहुत बड़ी आफत हो सकती है। F-16 रूस के अंदर घुसकर ऑपरेशन करने में सक्षम है। यूक्रेन में रूसी मोर्चों को तबाह कर सकता है F-16। F-16 रूसी डिफेंस सिस्टम की जद में नहीं आएगा। हवा में रूस को सबसे बड़ी चुनौती इसके जरिए मिलेगी और यूक्रेन को काउंटर ऑफेंसिव में बड़ी मदद मिल पाएगी। तो ये F-16 है जिसकी खासियत हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आपको बता दें कि मरिंका से जीत का आगाज हुआ है और अब यूक्रेन के कई और इलाकों पर कब्जे की तैयारी है। रूस जानता है कि यूक्रेन में दूसरी जीत हासिल करने से पहले ही नेटो की तरफ से यूक्रेन को हार से बचाने की कोशिशें तेज हो जाएंगी और इसीलिए रूस ने नेटो से निपटने की तैयारी भी शुरू कर दी। ऐसे धमाके करने की ताकत रखने वाले रूसी हथियारों से ही पूरी दुनिया खौफ खाती है। धरती के एक बड़े हिस्से को भस्म करने की कुवत रखने वाले परमाणु हथियारों की वजह से ही रूस का नाम दुनिया के शक्तिशाली देशों में शुमार है। विशाल सेना, घातक बॉम्बर, परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम मिसाइल, समंदर से लेकर आसमान तक तबाही मचाने की शक्ति की वजह से ही पुतिन नेटो को अकेले चुनौती देते रहे। लेकिन अब सवाल जीत और हार का है, सवाल रूस की साख का है। फरवरी में यूक्रेन युद्ध के 2 साल पूरे हो जाएंगे। 2 महीने में रूस को यूक्रेन में जीत हासिल करनी है। नेटो देशों से फिर यूक्रेन को हथियार मिलने वाले हैं। पेंटागन से लेकर लंदन तक यूक्रेन को हार से बचाने पर मंथन चल रहा है। पिछले 1 साल और 10 महीने में इतना तो साबित हो गया है कि यूक्रेन में बारूद की कमी नहीं होने दी जाएगी। यूक्रेन जब जब हार की कगार पर पहुंचेगा, नेटो देशों से कई हथियार लेकर कई कार्गो विमान पोलैंड के लिए उड़ान भरेंगे। पुतिन के वॉर रूम में 2 दिन पहले यूक्रेन विजय से जुड़ी तमाम अड़चनों पर चर्चा की गई। सीक्रेट मीटिंग से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक यूक्रेन में सेना अपना मिशन तेज करेगी। यूक्रेन को टुकड़ों में बांटने की रणनीति बनी। स्ट्रैटेजिक रॉकेट फोर्स वॉर मोड में रहेगी। एयरोस्पेस फोर्स भी हाई अलर्ट पर रहेगी। स्ट्रैटेजिक रॉकेट फोर्स और एयरोस्पेस फोर्स को यूरोप की घेराबंदी का आदेश दिया गया है, यानी यूक्रेन को जीतने के लिए नेटो पर दबाव बनाने का प्लान तैयार हुआ है।
यूक्रेन में हथियारों की खेप भेजने के लिए नेटो पोलैंड रूट का इस्तेमाल करता है। रूस ने सबसे पहले पोलैंड को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी की है। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने इसका खुलासा किया है। रूस से सामरिक परमाणु हथियारों की खेप भेजी गई है। लॉन्ग रेंज की मिसाइल में लोड होने वाले परमाणु वॉरहेड भेजे गए हैं। बेलारूस में रूस की इस्कंदर मिसाइलों का जखीरा मौजूद है। बेलारूस में रूस का SU-30 MiG-31K तैनात है।